hello children today we are going to learn new lesson adjectives so open page number 48 and let us start before that we have to solve one warm up exercise so choose the correct describing words for these pictures now we have to choose the correct pictures correct describing words for this picture here is one picture they have given and here are describing words and we have to uh, choose the correct according to that picture. i have taught you adjectives. adjectives means describing words. describing speciality of that. Uh, anything, any person, any place. okay. so first, this is a bottle. and they have given words blue, tall, pink. Huh? this water, huh, blue color, is blue. and pink, blue and pink color is here. tall bottle is not tall. सो दट वाई आंसर इज ब्लू एंड पिंक इस ब्लू एंड पिंक इस बॉटल को डिस्क्राइब कर रहे है सो दीज आर एडजेक्टिव नेक्स्ट सी हिस्टर इज अ बॉल बॉल इज राउंड बॉल है गोल एंड इट इज आर सो कलरफुल्ड कलरफुल देन दिस इज वन एनिमल एक एनिमल है एंड सी इट इज येल्लो सो आई हैव टेक् येल्लो एंड इज स्पॉटेड दैट मीन्स इट हैज स्पॉट्स ऑन हिस्स बॉडी बट ये पेट है क्या हम हम इसे घर में रख सकते हैं पेट है नहीं दट ओनली येलो एंड स्पॉटेड इज फ्रूट फ्रूट इट इज रेड रेड इज डिस राउंड ऑल्सो इसका भी शेप राउंड है राउंड देन दिस इज अ बटरफ्लाई इट इज कलरफुल ये कलरफुल है बटरफ्लाई एंड इंसेक्ट बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट बटरफ्लाई एक इंसेक्ट है इज इट अगली क्या अगली अगली मीन्स जो सुंदर नहीं है वो क्या ये अगली दिखता है नहीं सो ओनली कलरफुल एंड इंसेक्ट नेक्स्ट हाँ दिस इज योर फेवरेट इट्स माइन ऑल्सो मेरा भी ये फेवरेट है इट इज सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना गुलाब जामुन सॉफ्ट एंड डेलीशियसो दैट मीन इट टेस्ट वेरी नाइस बहुत अच्छा लगता है डेलिशियस इज इट बैड नो इट इज नॉट बैड सो सॉफ्ट एंड डेलीशियस दीज आर द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की ये जो स्पेशलिटी बताते हैं किसी चीज की सो वी कैन कॉल इट एडजेक्टिव हम उन्हें एड्जेक्टिव कहते हैं ओके और दे दे आर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन और प्रोनाउन उसके नाउन और प्रोनाउन के बारे में दे आर गिविंग मोर इन्फॉर्मेशन सो दे वी कॉल देम देर फोर्टी नाइन नाउ रीड दिस सेंटेंसेस नाउ वी हैव टू रीड दिस सेंटेंसेस जिराफ इज अ टॉल एनिमल A giraffe is a tall animal it is a bright day it is a bright day my dog is black in color my dog is black in color the highlighted words tell us more about nouns or pronouns as highlighted verbs say tall bright and black they are these words sorry आई सेड वर्ब्स मैंने गलती से वर्ब्स कहा था बट दीज आर वर्ड्स ये कोई वर्ड्स है की जो दे आर टेलिंग मोर अबाउट नाउन्स प्रोनाउंस उनके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे है टॉल एनिमल है इट इज अटे हाउ वॉज द डे इट इज अ ब्राइट डे ब्राइट डे है मीन सनी डे है यू कैन सेग इज ब्लैक इन कलर माई डॉग इज ब्लैक इन कलर सो दाईटेड वर्ड्स टेलस मोर अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस दीज हाईलाइटेड वर्ड्स आर टेलिंग मोर अबाउट नाउन्स और प्रोनाउंस इनके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे कि जेराफ कैसा है टॉल है जेराफ इज अ टॉल एनिमल इट इज अ ब्राइट डे कि ये डे ब्राइट है माई डॉग इज ब्लैक इन कलर लाइक दैट सो नाउ यू विल सी वॉट इज अ डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव वट इज एड एडजेक्टिव लिसन केयरफुली a word that tells us more about a noun or a pronoun is called an adjective. a word, kesa word, uh, the word who is giving more information or who is telling speciality of that noun or pronoun, we called it It is an adjective. so, adjective kahenge. adjective means speciality. okay, describing word. okay, now we will see first question write three adjectives to describe these pictures one has been done for you we have to write three adjectives to describe each picture and one they have done for us see this is a snake Ek snake hai. and they have described like scary ha? Yeh hai. scary then big ha? big it is big also and fiery fiery means you can say angry angry so scary big fiery.

It is grey in color. Grey is describing this radio. Grey. It is handy. That means you can hand handle anywhere. You hand me. Handy. And musical. Is me. Music. So it is musical. Next. see this is a cold pastry. So it is cold. Obviously, cold. a cold. And delicious. Huh? It also tastes very sweet. Very nice. Delicious. एंड स्वीट आल्सो डेलिशियस भी होते टेस्ट होते एंड स्वीट दिस इज वन एनिमल विच इज ब्राउन इन कलर ब्राउन कलर इज विच इज ब्राउन इन कलर एंड स्पाइकी इट हैज स्पाइक ये काटे है उसके ऊपर काटे स्पाइक्स एंड स्मॉल स्मॉल एनिमल ये छोटा लग रहा है सो आई हैव रिटर्न दिस थ्री डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैन दिस इज सी दिस इज एक्सपेंसिव ये मोतियों का हार है ना एक्सपेंसिव मीन महंगाउंड शेप इट इज लिटिलउंड एंड थ्री वर्ड्स यू कैन सेव डिस्क्राइब दीज पिक्चर्स अकॉर्डिंग टू देअर स्पेशलिटीज सो दीज आर एडजेक्टिव यानी हम क्या कहते हैं एडजेक्टिव दीज आर एडजेक्टिव ओके

ravi has a fat dog fat means mota ravi has a fat dog so d fat he is ka ravi is a fat dog mota dog hai uske paas. he is an intelligent man intelligent means hoshia. he is an intelligent man so intelligent is an adjective next mr tambe is an ऑनेस्ट पुलिस मैन मिस्टर तांबे इज एन ऑनेस्ट पुलिस मैन मेंस्ट मीन इनामदार सॉरी ईमानदार एडजेक्टिव फादर इज अजी मैन हिज फादर इज अजी मैन सो बिजी मैन मैन कैसा है मतलब उनके फादर कैसे मैन है बिजी मैन सो बिजी एडजेक्टिव हो गया मदर मेक्स डेलिशियस फूड मदर मेक्स डेलिशियस फूड मम्मी कैसा खाना बनाती है डेलिशियस डेलीशियस आई कैन नॉट फाइंड अ ग्रे नोटबुक एनीवेयर आई कैन नॉट फाइंड द ग्रे नोटबुक एनीवेयर ग्रे मीन्स ग्रे कलर की नोटबुक एनीवेयर मुझे ग्रे कलर की नोटबुक कहीं नहीं मिली सो ग्रे डिस्क्राइबिंग दिस नोटबुक ग्रे इस नोटबुक को डिस्क्राइब कर रहा है सो ये एड्जेक्टिव हो गया थ्रो द बैड एप्पल इन द डस्टबिन थ्रो द बैड एप्पल्स इन द डस्टबिन कैसे एप्पल्स बैड एप्पल्स सो बैड इज एन एडजेक्टिव ओके नाउ वी वि थर्ड क्वेश्चन फील इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल एडजेक्टिव नाउ हियर देवन ब्लैंक्स and we have to fill it with suitable adjectives according to that sentence the man took the lift to the 10th floor 10th floor man lift ka use kiya. so i have written here the old man took the lift to 10th floor Ki jo ek old man or hai, ba hai, hai. the old man took the lift to the 10th floor so old is an adjective because it is describing the man hari spoilt my dress with coffee hari spoilt spoil kharab karna so hari spoilt my new dress with coffee mere new dress hari ne spoil so new is an adjective because it is describing the dress we sat under a umbrella we sat under a umbrella so here umbrella uh, you can i have given describing word for umbrella is colorful we sat under a colorful umbrella colourful. so colorful is an adjective during spring the trees are full of flowers during spring spring is a season and during spring season the trees are full of beautiful flowers kitripakasi flowers are beautiful flowers so beautiful is an adjective because it is describing the flowers

शोर मचाने वाला क्लास जो बुरा होता है ना पीछा करना का वो पीछा कर रहा था सो ऑब्वियसली मॉन्स्टर वॉन्ट टू किल द प्रिंस मॉन्स्टर उसे किल ही करना चाहता होगा सो आई एंग्री डिस्क्राइबिंग वर्ड दीन्स एंग्री ज एन एडजेक्टिव फॉर द मॉन्स्टर मॉन्स्टर को डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड एंग्री सो द एंग्री मॉन्स्टर दी द प्रिंट कैसा मॉन्स्टर था वो द एंग्री मॉन्स्टर डू यू लाइक आइसक्रीम डू यू लाइक आइसक्रीम सो हियर आई है आइसक्रीम कैसी आइसक्रीम वेनिला आइसक्रीम सो वेनिला इज एन एडजेक्टिव सो मैनी पीपल कैन नॉट क्रॉस द ब्रिज टुगेदर सो मेनी पीपल कैन नॉट क्रॉस द ब्रिज टुगेदर, कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रहे तो उसमें डेफिनेटली देर इज अ समथिंग प्रॉब्लम इन द ब्रिज कि ब्रिज का कुछ तो प्रॉब्लम होगा सो आई हैव रिटन नैरो ब्रिज वो ब्रिज के साथ नैरो था मीन्स विच इज नॉट ब्रॉड नैरो नैरोस छोटा सा हम कह सकते सो सो मैनी पीपल कैन नॉट क्रॉस द नैरो ब्रिज टूगेदर की एक साथ वो नरो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रहे निखिल हैज लॉस्ट हिज ग्रांड फादर्स पेन निखिल हैज लॉस्ट हिज ग्रांड फादर्स पेन निखिल ने ग्रांड फादर का पेन लॉस्ट किया और वो कैसा पेन था इंक पेन आई हैव रिटर्न इंक पेन यू कैन राइट हि बॉल ऑल्सो बॉल पेन इंक पेन इंक पेन न्यू पेन आई हैव रिटर्न इंक पेन की इंक इज डिस्क्राइबिंग हाउ इज देन की पेन कैसा था इंक का पेन था pail made a painting pail made a painting pail like painting banaiti. Bana thi. and the painting was nice i have written word nice because nice is describing the painting so nice is an adjective okay children thank you we have finished the lesson